हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईबीएस क्लास स्टैंडर्ड 4 लेसन 14 फर्स्ट पार्ट वन देखा चैप्टर एक्सप्लेन नाउ वर्कशीट राजू फार्म की क्वेश्चन 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट 1 अ प्लांट और वेजिटेशन दैट इंटरफेस विद द मेन और प्राइमरी क्रॉप इज कॉल्ड तो ऑप्शन है सीड वीड या इम्प्लीमेंट तो इसमें आएगा वीड सेकंड लीव्स ऑफ ओनियन आर टर्निंग येलो एंड आर ड्राइंग अप व्हाट डस दिस मींस जो ऑनियन से उसके लीव से येलो और ड्राई हो जाते हैं तो उसमें ऑप्शन है ऑनियंस आर रोटन ऑनियंस आर डिस्ट्रॉयड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट तो इसका मीनिंग है कि ऑनियंस जो है वो रेडी टू बी टेकन आउट इसमें आंसर आएगा सी थर्ड वन एन आयरन इम्प्लीमेंट टू डिग द सॉइल लूसन इट एंड मेक इट सॉफ्ट इज क्योंकि आयरन इम्प्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट उससे सॉइल को डिग करता है खड्डा खुदता है और उसको सॉफ्ट बनाता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ए प्लव बी सिकल या सी सी ड्रिल तो आंसर आएगा प्लव यानी जो हल होता है उससे वो सॉफ्ट बन जाता है सॉइल नाउ क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन द ब्लैंक पुल द कुरेजी तो कुरेजी जो होता है इंस्ट्रूमेंट उसको पुल कौन करता है मतलब कौन चलाता है बुलॉक्स आएगा सेकंड ब्लैंक ग्रो इन फील्ड्स विदाउट बीइंग प्लांटेड जो फील्ड्स में ग्रो होता है प्लांटेड के बगैर तो उसमें आंसर आएगा वीड्स थर्ड राजू नीड टू ब्लैंक हिज फादर इन द फील्ड तो राजू जो होता है उसको क्या चाहिए था उसके फील्ड में तो उसके फादर को हेल्प चाहिए थी मदद यानी फोर्थ ब्लैंक आर यूज टू कैरी वेजिटेबल्स टू दी मार्केट तो जो वेजिटेबल्स को कैरी करके खेतों में से जो मार्केट में लेके जाते हैं तो उसमें कौन सा व्हीकल यूज होता है तो आएगा आंसर ट्रक्स में लेके जाते हैं फिफ्थ ब्लैंक इज यूज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राई लीव्स को कट ऑनियन को कट करके कट किया जाता है तो उसमें आएगा इलेज जो इंस्ट्रूमेंट से उसको कट करते हैं नाउ क्वेश्चन 3 ट्रू और फॉल्स फर्स्ट वन खुंती इज यूज टू हार्डन द सॉइल तो खुंती से जो सॉइल होता है वो हार्डन होता है नहीं आंसर ये फॉल्स आएगा उससे सॉफ्ट होता है सेकंड ऑनियन सीड्स शुड बी सोन एट रेगुलर डिस्टेंस ऑनियन की जो सीड्स होती है वो रेगुलर डिस्टेंस पे सोन होनी चाहिए तो आंसर आएगा ट्रू हाँ थर्ड वीड्स मेक्स द प्लांट हेल्दी वीड जो होता है वो प्लांट को हेल्दी बनाते हैं नहीं उसमें आएगा फॉल्स वो हेल्दी नहीं बनाते हैं फोर्थ ऑनियन सीड्स स्टार्ट स्प्राउटिंग इन 10 डेज जो ऑनियन का सीड्स है वो स्प्राउटिंग 10 डेज में होता है नहीं वो 20 डेज में होता है तो इसमें फॉल्स आएगा फिफ्थ साइकिल्स आर यूज टू कैरी वेजिटेबल्स टू दी मार्केट साइकिल को यूज करके जो वेजिटेबल्स वो मार्केट में लेके आते हैं नहीं उसमें बड़ा सा व्हीकल चाहिए लोडिंग व्हीकल तो इसमें आएगा फॉल्स नाउ क्वेश्चन 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट वन व्हाट इज द यूज ऑफ कुंती इन द फील्ड कुंती का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फील्ड में क्या यूज है इसको कुड़ाल भी बोलते हैं तो कुंती इज एन आयरन रोड लोहे का रोड है जो डिग द सॉइल खड्डा खुदता है लूसन इट एंड टू मेक द सॉइल सॉफ्ट तो उसको लूज करता है सॉइल को जमीन को और उसको सॉफ्ट बनाता है तो कुंती का यूज में आता है खेतों में सेकंड वन व्हाट इज द यूज ऑफ इलेज तो इलेज का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे क्या होता है तो आंसर इज इलेज इज अ शार्प इंप्लीमेंट यूज टू कट द ड्राइड लीव्स ऑफ द प्लांट्स तो इलेज जो शार्प जो इंस्ट्रूमेंट है तो उसको इंप्लीमेंट यूज मतलब इसको यूज करते हैं ड्राइड लीव्स को काटने के लिए थर्ड वन व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर एल्डर्स और फैमिली मेंबर्स आपकी क्या ड्यूटी है आपके फैमिली या मेंबर्स के प्रति तो आंसर आएगा इट इज अवर ड्यूटी टू हेल्प आवर फैमिली मेंबर्स और एल्डर्स बाय डूइंग स्मॉल वर्क विच वी कैन डू तो हमारी जो ड्यूटी है फैमिली मेंबर्स के प्रति जो हमको उनको मदद करनी चाहिए जितनी हो सके उतनी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन लॉन्ग फर्स्ट वन हाउ आर सीड्स सोन इन द फील्ड तो आंसर आएगा द बुलॉक पुल द कुरेज एंड द फार्मर वॉक्स बिहाइंड देम तो जो आगे होता है बुलॉक जाता है उसके पीछे कुरेज और फार्मर्स वॉक करता है ही स्प्रिंकल्स एंड ड्रॉप द सीड्स इन राइट अमाउंट एट अ रेगुलर डिस्टेंस तो जो सीड्स होते हैं वो हाथों से फेंक के जो रेगुलर इंटरवल्स पे वो सीड्स फेंकते रहते हैं तो इससे वो खेत की फसल तैयार होती है सेकंड व्हाट विल हैपन इफ वी सो टू मेनी सीड्स एट अ स्मॉल प्लेस हम एक जगह पे टू मेनी सीड्स देखेंगे तो उससे क्या होगा तो आंसर आएगा इफ टू मेनी सीड्स आर सोन एट अ स्मॉल प्लेस द प्लांट्स विल नॉट गेट इनफ स्पेस तो प्लांट को इनफ स्पेस नहीं मिलेगी वाटर एंड न्यूट्रिशन टू ग्रो प्रॉपरली तो जो उसको वाटर और न्यूट्रिशन जो पोषक मिलना चाहिए उसको वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो ये सेकंड आंसर भी खत्म हो गया
Now write this worksheet in your EVS notebook and learn properly. Okay, thank you.